हर्ष कुमार किस क्लास में हो? सिक्स क्लास में हो। अच्छा, उस दिन क्या घटना घटी थी तुम्हारे पिताजी के साथ? हम लोग इधर से जा रहे थे, वहाँ सब लोग छुपे हुए थे, और जब हम लोग वहाँ पर उसके द्वार पर पहुँचे ना, वो लोग इतना बड़ा ढाट लेकर के, उसको बांस कहते हैं, उसको लेकर के पापा के यहाँ पर मारे। नमस्कार, पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता में आप सभी का स्वागत है। मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र में लगातार क्राइम हो रहा है। आइए देखिए इस वीडियो में कैसे 10 लोगों ने एक व्यक्ति को दबिया से उनका हाथ काटा है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे पीडी न्यूज के साथ। मधेपुरा से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता में आपका स्वागत है। आइए कुछ हम बात करते हैं क्राइम को लेकर के, और जिस जगह मैं मौजूद हूँ और जो घटना को लेकर के आपके सामने और आपके बीच में मैं एक ऐसी घटना की स्थिति करने वाला हूँ। अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में भी एक बिहार है, अगर हम बात करते हैं मधेपुरा जिला की, तो क्राइमों ने अपना अड्डा अच्छी तरह से संघर्ष कर लिया है। आखिर क्या कर रही है मधेपुरा प्रशासन और कुमारखंड प्रशासन? घटने पे घटना और क्राइम पर क्राइम बढ़ता जा रहा है। और एक चीज़ बता दूं, जहां पर अभी मैं मौजूद हूं, मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड, कुमारखंड थाना अंतर्गत बिशनपुर कोरलाही पंचायत में मौजूद हूं, वार्ड नंबर 6 में। बता दूं कि बीते दिन कुछ ऐसी घटना आई हुई थी और जो घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया, और हमारे पास एक ऐसा कागज़ है, ये शादी का कागज़ है, ये शादी का कागज़ ये है कि आज से 5 दिन पहले कुमारखंड थाना में आवेदन दिया गया था लूट का और क्राइम का। आखिर क्या कर रही है कुमारखंड थाना, आखिर क्या कर रही है कुमारखंड पुलिस, जो अभी 5 दिन तक हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बता दूं कि इसका स्पेशलिस्ट मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसमें लिखा हुआ है सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, मतलब आपका सम्मान करता हूँ। मारपीट, लूटपाट तथा धमकी देने के संबंध में 11/9/2021 को ये आवेदन पड़ा था कुमारखंड थाना में। आज लगभग 15 तारीख है, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, परिजनों को कोई ऐसा इंसाफ नहीं मिला। तो आइए हम परिजन से बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा मैटर हो गया, क्या घटना हुई थी जो इनको उस घटने को अंजाम देना पड़ा, और जिस अपराधियों द्वारा लगभग 10 लोगों पर FIR भी दर्ज हुआ है और आवेदन भी दिया गया है। हाँ, 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिस पर आवेदन भी दिया गया, और अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई की तो दूर की बात, अभी तक प्लॉट पर नहीं आई है। आखिर क्या कर रही है प्रशासन? अगर बात करें बिहार सरकार, बिहार की, तो बिहार राज्य में जो चल रही है सरकार, वो एक सुशासन बाबू की सरकार है। वो सरकार एक ऐसी निकम्मी सरकार है, दर्शक जिस तरह से लोग बताते हैं, एक ऐसी निकम्मी सरकार है कि सिर्फ वादा करते हैं। वादा करने में जितनी बात ले लीजिए, फेकू सिंह जिसको बोलते हैं, तो क्राइम और मर्डर और रेप जैसे मामला बार बार सामने आ रहा है। अगर हम बात करें बिहार की, तो रामविलास सिंह के साथ जो घटना घटी, काफ़ी अनोखी घटना है कि ये मतलब एक व्यक्ति को 5 से 6 लोगों ने मिलकर के उन पर वार करना, और उन पर ऐसी उनके साथ ऐसी कोई दुश्मनी वगैरह है, या आपसी मामला की कोई ऐसी दुश्मनी है, या जमीनी विवाद को लेकर के, आखिर किस वजह से इन पर हमला किया, कुछ तो पता होगा, क्योंकि आप गांव के बहुत सारे, आप बहुत गांव के बुजुर्ग लोग लग रहे हैं, काफ़ी उम्र हो गई होगी इनकी, 60 साल हो गई होगी, तो इनसे बात करते हैं, ये तो कुछ ना कुछ जानकारी देंगे। जमीन संबंधी ये कितने दिन की बात है, जो जमीन की संबंधी जो लड़ाई चल रही है, असल हम पॉइंट की बात करें तो कोई भी भूमि विवाद को लेकर के अगर मारपीट होती है, या अन्यथा कहीं भी अगर मारपीट होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे थोड़ा बहुत रीजन रहता है। तो ये भूमि विवाद कब से चल रही है? 10 साल से बोलिए ना, 10 साल से चल रही है। इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ,
तो एक असल पॉइंट था कि भूमि विवाद की वजह से मारपीट हुआ, और हम इस खबर को मैं फिर दोबारा मैं बताता हूँ कि जिस तरह से लापरवाही हो रही है कुमारखंड थाना के अंदर, कुमारखंड पुलिस या मधेपुरा प्रशासन के अंदर, कि अभी तक ऐसे आरोपी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस। असल बात करें कि आचार संहिता लागू है, ये तो एक क्राइम, और दूसरा क्या कहता है, सरकार के खिलाफ उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि सरकार और प्रशासन को जरूर इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि आचार संहिता लागू है, उस पर हम क्राइम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 107 का केस भी बनता है आचार संहिता में इस तरह के क्राइम करने वाले पे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम तो उतना बात नहीं करेंगे, मगर हाँ कहीं ना कहीं इस गरीब के साथ अत्याचार हुआ है, और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है अभी तो कहना मुश्किल है। मगर हाँ एक ज़रूर बात मैं बता दूं कि इस तरह की घटना बार बार कुमारखंड थाना क्षेत्र के अंदर आ रहा है, और आज से 3 दिन पहले कबल एक ऐसी दुर्घटना घट गई थी, तो उस चीज़ को भी लेकर के हमने दिखाया था। मगर जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है बिहार सरकार के, इस जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, बिहार जी और जुड़ चुके हमसे, उनसे बात करेंगे कि जो घटना इनके साथ घटी है, और अभी तक 5 से 6 दिन हो गया है, पुलिस प्रशासन अभी तक इनके घटना स्थल पर और क्या कहता है इनके जो थाना में आवेदन दिए थे वो अभी तक नहीं पहुंची है, क्या बोलते हैं आप? हम लोग यही जाने कि उस रोज पर पहले ये सुबह जा रहा था कोचिंग अपने बच्चे को लेकर, और वो मुनाफा स्थान के दरवाजे पर जाने हेट लिया। पहले जमीन यादगार का पुस्तक विवाद चल ही रहा है, साथ साथ ये अपने भतीजा से कुछ उलझा, उस पर उसका बेटा इस पर कुछ पड़ा, इस पर उस लड़का पर दोनों को बावजूद हुआ, उस पर सारा परिवार मिलकर इस पर हमला बोला और मारपीट किया, जमीन विवाद से ही हुआ है सारे बात। ठीक है, जमीनी विवाद में मारपीट हुई, इसने 11 तारीख को थाना में आवेदन दिया, अभी तक पुलिस नहीं आ पा रही है, आखिर क्या बात है? सुनवाई नहीं कर रही है अभी तक, पुलिस नहीं सुनवाई दे रही, इसके लिए किसको दोषी देते हैं? मधेपुरा में जो बैठे हुए हैं उनको, या पटना में बैठे हुए हैं उनको, किनको दोषी दे रहे हैं? नजदीकी को, थाना प्रभारी है, एसपी है, डीएसपी है। हालांकि एसपी साहब को भी दिया गया आवेदन, एसपी साहब को भी आवेदन दिया गया है, यही लोग न करेंगे जो थाना से लेकर एसपी तक जो है वही बता सकते कर सकते हैं। अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, 5 दिन लग 5 दिन हो चुका है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, गांव में घूम रहा है, कोई ध्यान नहीं, कोई बात नहीं हो रहा किसी से। तो ये नौबत आ चुकी है 5 दिन से लगातार परिजन के लोग जो हैं जिस पर हमला हुआ है, काफ़ी 5 दिन से लगातार थाना की चक्कर काट रहे हैं सुबह शाम, मगर कोई ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों हो रहा है इस तरह से हमारे बिहार में, और खास करके अगर बात करें मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना अंतर्गत कुमारखंड थाना क्षेत्र में। इसीलिए हमारे साथ बने रहे, कैमरामैन जयराम के साथ शाहिद की रिपोर्ट।